बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने किया था सिमिलर ट्रायंगल रिजोनेंस बुक एनटीएससी से एक्सरसाइज सेकंड को कंप्लीट। और भाई एक्सरसाइज थर्ड स्टार्ट करते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, टिपिकल क्वेश्चन है रिजोनेंस बुक से। जैसा कि आप नाम जानते हो रिजोनेंस का ही, तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है इसमें, तो सेकेंड से स्टार्ट कर देता हूँ मैं। तो सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट आपके सामने है बच्चों, और लिखा हुआ है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें क्या है कि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। ए बी सी डी के पैरेलल है बच्चों, और साथ में साइड आपको दे रखी हैं और एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो भाई सिंपल सी बात है, देखो ये एंगल इसके इक्वल हो गया अल्टरनेटिव एंगल, ठीक ऐसे ये एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेटिव एंगल, और ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी बच्चों, सिमिलर, ठीक है ना। और सिमिलर होगी तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल रेशो में। तो इसकी कोरस्पोंडिंग ये है, क्योंकि इस पर बने दोनों एंगल इस पर बने दोनों एंगल के इक्वल हैं, तो यानी कि 2/5 करूँगा मैं यहाँ पर। फिर इसकी कोरस्पोंडिंग साइड ये है बच्चों, रीजन ये है कि इस पर बने दोनों एंगल इस पर बने दोनों एंगल के इक्वल है, तो ऊपर मैंने इस ट्राइंगल की साइड रखी है ए ओ बी की, तो ए ओ बी की साइड रखूंगा मैं, जो कि ओ बी है x माइनस टू, और नीचे आ जाएगी डी ओ यानी कि 2x+5। तो x की वैल्यू निकालनी है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x-10 और राइट में आ जाएगा 4x+10। 4x इस तरफ आकर इसमें से माइनस हो जाएगा 5x-4x और राइट में आ जाएगा 20। तो 5x-4x आ जाएगा बच्चों x, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 20। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड क्वेश्चन, और डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं भाई, स्टेटमेंट आपके सामने है। देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और उनके एरिया का जो रेशो है वो है 16:9। तो बच्चों आपने साइड निकालनी इनकी, बी और क्यू आर साइड फाइंड आउट करनी है, साथ में पी क्यू दे रखी 18 सेंटीमीटर, बी सी दे रखी 12 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो रेशो होता है वो होता है उनकी कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वेयर के रेशो के इक्वल। तो ए बी की कोरस्पोंडिंग साइड हो जाएगी पी क्यू, यानी कि ए बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई पी क्यू स्क्वेयर। ठीक ऐसे ही बी सी की कोरस्पोंडिंग साइड हो जाएगी क्यू आर, बी सी बनती है दूसरे तीसरे प्लेस से, तो जो भी दूसरे तीसरे प्लेस से साइड बनेगी वो बी सी की कोरस्पोंडिंग हो जाएगी। तो बी सी स्क्वेयर बाई क्यू आर स्क्वेयर, और ठीक ऐसे ही पहले तीसरे प्लेस से बनती है ए सी, तो ए सी स्क्वेयर, ए सी की कोरस्पोंडिंग साइड पहले तीसरे प्लेस से ही बनेगी यहाँ पर, जो कि पी आर, यहाँ पर पी आर स्क्वेयर लिखेंगे हम। तो जिसकी वैल्यू गिवन है उसकी वैल्यू आप रख सकते हो इसमें, ये 16:9 एज इट इज़। और राइट में ए बी स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है आपने, ए बी की वैल्यू, और पी क्यू स्क्वेयर की वैल्यू है आपकी 18, ठीक है ना। तो 18 का स्क्वेयर आएगा यहाँ पर, फिर बी सी स्क्वेयर की वैल्यू आपकी 12 का स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पर, और क्यू आर स्क्वेयर की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो क्यू आर स्क्वेयर लिखेंगे यहाँ पर, क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। ए सी की वैल्यू है नहीं आपके पास, और पी आर की वैल्यू भी नहीं आपके पास, इनको छोड़ो यहाँ पर, स्क्वेयर रूट लेंगे बोथ साइड, ये आ जाएगा 4/3, ये है ए बी बाई 18 और ये है 12/QR, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो ए बी की वैल्यू निकालेंगे, ये 18 इस तरफ आ जाएगा, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 4/3 × 18, तो 3 6 18 और 6 4 24, तो ए बी आ गई आपकी 24। ठीक ऐसे क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे, तो क्यू आर यहाँ पर आ जाएगा, देखो इन दोनों को लेकर चलेंगे, क्यू आर यहाँ पर आ जाएगा, 4QR लिख सकते हो, राइट में 12 × 3 हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल हो गया, तो QR की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 9, ठीक है ना, QR यहाँ आ जाएगा और 3/4 हो जाएगा, जो कि 9 आ गया। तो आंसर आ गया 24 cm and 9 cm। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, तो भाई जैसा कि डायग्राम में है आपके सामने, ई और एफ दोनों क्या है, मिड पॉइंट, ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है दोनों, और रेशो दे रखा है, यानी कि ये एक रिलेशन दे रखी है, एरिया क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी के टाइम्स एरिया ट्रायंगल ए बी सी। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने,
तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो ट्रायंगल जो ए ई एफ ट्रायंगल है बच्चों, वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। रीज़न इसके पीछे ये है, मैं सीधा बता दूं आपको, एंगल ए कॉमन हो गया दोनों का, एक छोटी ट्रायंगल और एक बड़ी ट्रायंगल। ये नहीं, ये ग्रीन वाली नहीं, ये तो क्वाड्रिलेटरल है, बड़ी ट्रायंगल ए बी सी और ये ऊपर वाली सफ़ेद ट्रायंगल, ये वाइट जो है यहाँ पर ये वाली, तो दोनों का ये एंगल कॉमन हो गया। ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, ऐसे ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो गए, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गए कोरस्पोंडिंग एंगल के, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। सिमिलर हो गई तो बच्चों इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो रेशो है, दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो इनकी साइड कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वेयर के रेशो के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर रीजन आप लिख देना क्यों सिमिलर है ये, एंगल 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 प्रॉपर्टी के कारण एरिया ट्राइंगल ए ई एफ डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ई एफ स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वेयर, या आप लिख सकते हो और भी आसान लगेगा आपको, ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वेयर। और ये आप जानते हो भाई ई मिड पॉइंट है, ऐसा ही आप लिख सकते हो। और आगे ए एफ स्क्वेयर बाई ए सी स्क्वेयर और ई एफ स्क्वेयर बाई बी सी स्क्वेयर, उनकी ज़रूरत है नहीं, एक से ही काम चल जाएगा आपका। तो अब आप जानते हो ई जो है मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए ई जो है ए बी की हाफ हो जाएगी, ए बी जो है वो ए की डबल हो जाएगी। तो इसको रखा मैंने सेम एज इट इज़ और ए बी की जगह रख दिया टू ए ई, और स्केयर है ही भाई, तो ये आ जाएगा ए स्केयर डिवाइडेड बाई फोर ए स्केयर। तो ए स्केयर से स्केयर कैंसिल हो गया, ये इन दोनों के एरिया का रेशो आ गया बच्चों, एरिया ट्राइंगल ए ई एफ डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/4। अब क्या है कि 1 में से माइनस कर देते हैं इसको, 1 में से इसको माइनस कर दिया हमने, 1 में से इसको माइनस कर दिया, रीजन आपको पता चल जाएगा अभी, एलसीएम लेंगे तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी माइनस एरिया ट्राइंगल ए ई एफ इज इक्वल टू 4-1 यानी कि 3/4, और लोअर पार्ट में एलसीएम एरिया ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो भाई बड़ी ट्राइंगल में से, बड़ी ट्राइंगल में के एरिया में से छोटी ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, यानी कि अपर पार्ट की जगह आ जाएगा एरिया क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज इक्वल टू, और नीचे है एरिया ट्राइंगल ए बी सी और इक्वल टू में है 3/4। अब इधर ले जाएंगे इसको, एरिया क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज इक्वल टू 3/4 एरिया ट्राइंगल ए बी सी। तो 3/4 जो है वो के की वैल्यू मिल जाएगी आपको, देखो के की वैल्यू मिल गई 3/4, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन, स्टेटमेंट आपके सामने है स्क्रीन पर, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों रेशो ऑफ द कोरस्पोंडिंग मीडियन, रेशो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स, रेशो ऑफ स्क्वेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स, नन ऑफ दीज। तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उनकी जो साइड के स्क्वेयर के रेशो के इक्वल होता है दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशो, जैसे कि अभी हमने यूज किया था क्वेश्चन नंबर 4th में। नेक्स्ट बच्चों सिक्स क्वेश्चन, ट्राइंगल ए बी सी और ए डी सी सिमिलर दे रखी और ये इनकी साइड दे रखी है। देखो रिक्वायरमेंट है सी ए साइड की लेंथ, सी ए साइड की लेंथ और बी सी साइड की लेंथ। तो बच्चों दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं ये दोनों, तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल रेशो में हो जाएंगी। तो पहले दोनों प्लेस मिलाकर मैंने बनाई ए बी, तो यहाँ पर दोनों प्लेस मिलकर बनेगी ई डी। तो ए बी और ई डी दोनों एक दूसरे की कोरस्पोंडिंग, तो इनका जो रेशो आया वही रेशो बाकी साइड का आएगा, यानी कि बी सी दूसरे तीसरे प्लेस से बनी, इसमें दूसरे प्लेस तीसरे प्लेस से बनी डी सी, पहले तीसरे प्लेस से बनी ए सी और पहले तीसरे प्लेस से बनी ई सी। अब वैल्यू रख देते हैं इन सभी की, तो इन सभी की वैल्यू रख देते हैं बच्चों। ए बी की वैल्यू क्या है, देखो ए बी की वैल्यू है 4 और ई डी की वैल्यू है आपकी 3, बी सी की वैल्यू है
बी सी रिक्वायर्ड है और डी सी यानी कि सी डी की वैल्यू ऑफ 4.8 और ए सी फिर से रिक्वायर्ड है, ए सी या सी ए और लोअर पार्ट में ई सी या सी ई जो कि है 4.2। तो भाई आराम से वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। देखो नीचे देख लेता हूँ बच्चों कैमरे की रेंज, तो मैंने क्या किया इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई की तो सी बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/3 इंटू 4.8, तो 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 16 × 4 = 64 और एक के बाद डेसिमल लग जाएगा, ठीक है ना। तो सी पी आ गई आपकी 6.4। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सी ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.2 राइट में चला जाएगा, 4/3 है ये, 4.2 यहाँ चले आएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12, 14 × 4 = 56, तो ये आ जाएगा 5.6, ठीक है ना। सी आ जाएगा 5.6 और सी बी आ जाएगा 6.4। नेक्स्ट बच्चों सेवन्थ क्वेश्चन, ए बी सी और बी डी ई दोनों क्या हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। बी डी ये ट्राइंगल, ये है बी डी ई ट्राइंगल और एक है बच्चों ए बी सी ट्राइंगल, ये है सारी ए बी सी आपको दिखाई देती है, ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के प्रत्येक एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है, तो ए बी सी ट्राइंगल का प्रत्येक एंगल भी 60 का है और बी डी ई का भी प्रत्येक एंगल 60 का है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी एंगल 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 प्रॉपर्टी के कारण दोनों ट्राइंगल हो जाएंगी सिमिलर। तो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का जो रेशो होता है बच्चों वो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वेयर के रेशो के इक्वल होता है। तो कोरस्पोंडिंग साइड में मैं उठाऊंगा यहाँ पर कोई भी साइड ले सकते हो आप, बी सी स्क्वेयर बाई डी बी डी स्क्वेयर, और साथ साथ गिवन में आप स्टेटमेंट में देखिए लिखा हुआ है कि डी इज़ द मिड पॉइंट, ये क्या है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है। तो भाई बी डी जो है वो बी सी की हाफ हो जाएगी और बी सी बी डी की डबल हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं बी डी बी सी को हटाकर 2BD लिख सकता हूँ और बी डी स्क्वेयर लोअर पार्ट में है ही, तो ये आ जाएगा 4BD² और डिवाइडेड बाई 4BD² डिवाइडेड बाई BD², तो कैंसिल होकर रेशो आ गया बच्चों 4:1, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों एट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, ये देखो ये जो ग्रीन कलर में बने मैंने बना रखी है दोनों साइड इक्वल हैं और ये रेड कलर की दो साइड बना रखी है मैंने, ये दोनों इक्वल हैं स्टेटमेंट में आप देख ही सकते हैं, और ये एंगल है 120 डिग्री का और एंगल निकालना अपने क्यू पी एस यानी कि ये एंगल रिक्वायर्ड है, ये एंगल कितने का होगा ये निकालना। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इस ट्राइंगल में बात करें हम क्यू आर एस के अंदर तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो ये दोनों का सम बच गया 60 और दोनों इक्वल हैं भाई, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ टू इक्वल साइड्स इन ए ट्राइंगल्स आर इक्वल, यानी कि दो अगर इक्वल साइड हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे इक्वल, तो 60 इन दोनों का सम हो गया तो 30 के बच गए बच्चों ये। अब उसके बाद लीनियर पेयर का यूज करें, अगर हम ये बिल्कुल सीधी साइड है देखो लीनियर पेयर का यूज करें तो ये 30 है तो दोनों का सम होता है 180, तो ये बच जाएगा आपका 150, ठीक है ना। अब बच्चों इन दोनों का सम बच गया 30 क्योंकि ये फिर से एक ट्राइंगल है पी क्यू एस और पी क्यू एस ट्राइंगल के भी तीनों एंगल का सम क्या होगा 180, 180 में से अकेला 150 का ये एंगल है तो इन दोनों का सम बच गया 180 में से 150 जाएगा 30 और दोनों फिर से इक्वल हैं क्योंकि दोनों साइड इक्वल ही हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये आ जाएंगे 15 डिग्री के, तो आपका आंसर आ गया 15 डिग्री, एंगल क्यू पी एस आ गया 15 डिग्री। नेक्स्ट बच्चों नाइन्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट देख लीजिए अपनी, पी क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल है और ए पी और पी बी का रेशो दे रखे है 1:2, तो भाई एरिया का रेशो निकालना है ऊपर वाली ट्राइंगल जो कि ए पी क्यू है और ये कंप्लीट ट्राइंगल। तो बच्चों दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर देता हूँ मैं, देखो कैसे ये साइड इसके पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए इक्वल होंगे, ऐसे ये कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे और ये एंगल कॉमन हो गया, ये भी क्या हो जाएगा
दोनों का कॉमन हो गया तो इक्वल हो गया, यानी कि इस छोटी ट्राइंगल के तीनों एंगल बड़ी ट्राइंगल के तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल के क्या हो गए, इक्वल। तो दोनों ट्राइंगल क्या होगी बच्चों, सिमिलर। सिमिलर होगी तो इनके एरिया का जो रेशो है वो इनके साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको केवल एपी और एपी का रेशो निकालना। देखो तो एपी बाई पीबी आपको दे रखा है 1/2, यानी कि पीबी बाई एपी आपको दे रखा है उसने 2/1, और ऐड कर देते 1 इसमें 1 इसमें, तो एपी प्लस पीबी आप जानते हो एबी हो जाएगा। डायग्राम में देखिए एपी प्लस पीबी एलसीएम लेने के बाद, और एपी ये है ही और 3/1 पलटेंगे तो एपी एबी बाई एपी है 3/1, तो एपी बाई एबी हो जाएगा 1/3, 1/3 हो जाएगा, स्क्वेयर होकर के आ जाएगा 1/9, तो रेशो आ गया 1:9। नेक्स्ट है बच्चों 10th क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी में एडी परपेंडिकुलर दे रखे हैं बीसी के, और एक्स की वैल्यू निकालनी, बाकी साइड आपके यहाँ पर लिखी हुई है, स्टेटमेंट देख सकते हो। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ, देखो इस ट्रायंगल एबीडी ट्रायंगल में लेता हूँ बच्चों मैं एबी स्क्वेयर, पाइथागोरस लगा देता हूँ, एबी स्क्वेयर प्लस एडी स्क्वेयर और प्लस बीडी स्क्वेयर, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम यूज की मैंने इस ट्रायंगल के अंदर, लिख देना यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके बाद अब ए डी स्क्वेयर की जगह मैं लिख सकता हूँ ए सी स्क्वेयर माइनस सी डी स्क्वेयर, तो ए बी स्क्वेयर एज इट इज, और ए डी स्क्वेयर की जगह ही हम लिखेंगे देखो ए सी स्क्वेयर माइनस सी डी स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर माइनस सी डी स्क्वेयर, ठीक है ना। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे हाइपोटेनस का स्क्वेयर माइनस बेस का स्क्वेयर परपेंडिकुलर के स्क्वेयर की जगह, प्लस बी डी स्क्वेयर है ही बच्चों। अब क्या है कि हम देखो सी डी स्क्वेयर को रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सी डी की वैल्यू नहीं है अपने पास, तो ए सी स्क्वेयर सी डी की जगह मैं लिख सकता हूँ बी सी माइनस बी डी, बी सी माइनस बी डी का स्क्वेयर और प्लस बी डी स्क्वेयर ये है ही। अब स्क्वेयर एक्सपेंड कर देते हैं इसका, ये आ जाएगा ए सी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर और प्लस 2 BC BD, 2 BD BC या BC BD और प्लस बी डी स्क्वेयर। अब सभी की वैल्यू रख दीजिए बच्चों, ए बी की जगह आप रख सकते हो यहाँ पर, ए बी की वैल्यू है सी, तो यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वेयर, ए सी की वैल्यू है आपकी बी, तो यहाँ पर है बी स्क्वेयर, बी सी की वैल्यू है आपकी ए, तो ये ए स्क्वेयर हो गया, बी डी की वैल्यू है आपकी, सबसे पहले बी डी स्क्वेयर से बी डी स्क्वेयर कैंसिल कर देते हैं, और अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, बी डी की वैल्यू है आपकी एक्स और बी सी की वैल्यू है आपकी ए, तो एक्स की वैल्यू निकालनी बच्चों जैसा कि, तो 2 AX को इधर रखा मैंने और इसको ले गया राइट में सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, यानी कि सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब इसको 2A से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 11th, और डायग्राम बनाकर मैंने क्वेश्चन को ही सोल्व कर दिया। देखो आपके लिए क्या है कि एंगल बी रिक्वायर्ड है भाई, और ए बी साइड दे रखी 6√3 cm, बी सी दे रखी 6 cm और ए सी दे रखी 12 cm, एंगल बी रिक्वायर्ड है बच्चों, ठीक है ना, एंगल बी निकालना आपने। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो मैंने बता ही दिया आपको 90° का है ये, लेकिन बुक में जो है आपकी रेजोनेंस बुक में ये डायग्राम नहीं दे रखा है बच्चों, तो भाई इसका स्क्वेयर किया हमने 36√3, यानी कि 108 आ गया ए बी का स्क्वेयर। उसके बाद बी सी स्क्वेयर किया हमने, ये आ गया 36, और उसके बाद ए सी स्क्वेयर किया हमने, ये आ गया 144, तो बच्चों ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर भी क्या आ गया 144, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, उसके जो कन्वर्स है पाइथागोरस थ्योरम का, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि दो साइड के स्क्वेयर का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वेयर के इक्वल आ जाए तो बड़ी साइड के सामने वाला एंगल क्या होगा 90° का, तो एंगल बी क्या हो गया बच्चों 90°। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, अच्छे से रिवाइज करो बेटा, कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे पास, ठीक है ना। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, अबाउट टू फिनिश है ये, ठीक है ना, 30 क्वेश्चन है इसमें,
एक्सरसाइज थर्ड में 11 हो चुके हैं इसके, बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में मिल जाएंगे आपको। बड़े टिपिकल क्वेश्चन है भाई और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अच्छे से रीड आउट करो बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।